It's going to be very exciting that we'll be able to preserve privacy and still learn a lot from the data, you know, like which crop should you plant? If we get all the data from the farmers without their names, so we don't invade their privacy, but giving better farmer advice, or seeing here in India, you know, the top 10% of teachers are so good, and saying, okay, what are they doing? And how do we spread that to the other people? Or even if there's some new nutrition approach, you know, sometimes it works and sometimes not. And so because you have the medical record, the ability to kind of track and say, okay, this is working very well or this isn't, you know, we can be a lot smarter without threatening individual privacy. मैं इसको दो तरह, एक हमें कॉमन मैन को भी क्वालिटी डेटा के लिए ट्रेन करना पड़ेगा. हमारे डेटा में क्वालिटी होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. दूसरा, डेटा ओनर को मालूम होना चाहिए कि जो मेरे से डेटा मांग रहा है वो किस काम के लिए मांग रहा है. अगर वो पहला, उसको प्रायोरिटी रिसर्च के लिए होनी चाहिए. रिसर्च के डेटा की वैल्यू ज़्यादा ना हो, ताकि वरना रिसर्च बहुत महंगा हो जाएगा. और रिसर्च करने वाले इंस्टीट्यूट ने भी उसको एश्योरेंस देना चाहिए कि तेरे डेटा का मैं जो उपयोग कर रहा हूँ वो इसी काम के लिए होगा, ये ग्लोबल गुड के लिए है, कॉमन मैन के गुड के लिए है. तो मैं मानता हूँ दुनिया में कोई भी व्यक्ति इनकार नहीं करेगा. आई थिंक इट्स इंटरेस्टिंग दैट सम ऑफ दीज डिजिटल सिस्टम्स क्रिएट एफिशिएंसी बाय गेटिंग रिड ऑफ द मिडल मैन, एंड you know, that's super beneficial. मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि मैं ऐसी सरकार चलाना चाहता हूँ, एज फार एज मध्यम वर्गीय जो वर्ग है उसकी जिंदगी से सरकार बाहर निकल जाए, उसकी जिंदगी में सरकार की कोई जरूरत ही ना हो. जो गरीब है, जिसको सरकार की जरूरत है, वहां सरकार भरपूर हो. लेकिन जिसको कोई जरूरत नहीं, बिना कारण सरकार जाकर के उसको कुछ ये लाओ वो लाओ, ये करो वो करो करते रहती है, तो वो बंद हो जाएगा. और इसलिए मेरी कोशिश यही है कि हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम इसको करें. In 2015, one of the great things we did together was you came to Paris for that mission innovation. That was fantastic. Yes. क्लाइमेट के संबंध में हम दोनों के विचार एक ही प्रकार के हैं, और आपने बहुत सक्रियता से भूमिका भी अदा की. तो उस समय ओबामा, आप, मैं और फ्रांस के प्रेसिडेंट हम मिले थे, और तब हम लोगों ने डिटेल में चर्चा की थी हम इसको वे फॉरवर्ड कैसे ले जाएं. लेकिन दुर्भाग्य से वो बात ज़्यादा आगे चली नहीं. लेकिन G20 के बाद क्लाइमेट को लेकर एक वातावरण बना है कि भाई सब लोग अपनी अपनी जिम्मेवारी अदा करेंगे. तो जो हमने बीज बोए थे और जिसमें आपकी भी बहुत बड़ी भूमिका थी, वो अब कुछ वटवृक्ष के रूप में सामने आएगा, ऐसा मुझे लग रहा है. मैं समझता हूँ क्लाइमेट एक ऐसा विषय है जरा खुले में जाकर के हम लोग बात करते हैं. If you're ever coming to the United States, I'd love to have you come to Seattle.